रायपुर पंडरी के प्रगति मैदान में चल रहे बॉक्सिंग और किक के प्रशिक्षण शिविर में बच्चों और युवकों के अलावा शादीशुदा महिलाएं भी प्रैक्टिस में आने लगी। बॉक्सिंग प्रशिक्षण शिविर में बच्चों और युवाओं के अलावा शादीशुदा महिलाएं भी पिछले एक महीने से सुबह शाम की क्लास में बॉक्सिंग सीख रही हैं। मार्शल आर्ट के कोच विशाल हियाल ने बताया कि उन्होंने 3 साल पहले बॉक्सिंग सीखी, उसके बाद टीम का प्रतिनिधित्व किया, अब प्रगति मैदान में बच्चों को बॉक्सिंग सिखा रहे हैं। 45 बच्चे सुबह शाम प्रशिक्षण के लिए आ रहे हैं, इनमें से अनेक बच्चे मेडल भी जीत चुके हैं। खेल में शादीशुदा महिलाओं की भागीदारी पर उन्होंने बताया कि ये अचानक ही हुआ। कॉलोनी की महिलाएं यहाँ आती थी, उन्होंने इस खेल को देखा, फिर युवाओं के साथ ही ज्वाइनिंग की इच्छा जताई। अब महिलाओं ने भी ज्वाइन कर बॉक्सिंग और किक में विजय हासिल कर रही है। किक बॉक्सिंग प्रशिक्षक हूँ यहाँ प्रगति मैदान में। हम टीम हेल मार्शल आर्ट क्लब चला रहे हैं प्रगति क्रीडा सांस्कृतिक समिति के माध्यम से और विभिन्न एनजीओ के माध्यम से। यहाँ पर जो ट्रेनिंग चल रही है, किक बॉक्सिंग का अभ्यास कराया जा रहा है और साथ ही साथ किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग और जुजुत्सु में बच्चे यहाँ पर अभ्यास 3 सालों से लगातार कर रहे हैं और विभिन्न चैंपियनशिप में भी हिस्सा ले रहे हैं। नेशनल, राज्य स्तरीय अपना बेस्ट और परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब तक बच्चों ने यहाँ पर से जुजुत्सु में जैसे चार बच्चों ने हिस्सा लिया था और उसमें से एक का रजत पदक लगा है। आगामी नेशनल गेम्स में भी ये गेम इंक्लूड है तो उनका इसके लिए क्वालिफिकेशन हुआ है। एक बच्ची यहाँ से बॉक्सिंग खेलने के लिए SGFI दिल्ली गई थी खेलने के लिए। एक बच्चा और है यश राय, जो कि वो भी खेलने गया था, पुणे महाराष्ट्र खेलने गया था SGFI स्कूल गेम्स बॉक्सिंग। और बच्चे यहाँ से लगातार निकल रहे हैं बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और जुजुत्सु खेलों पे। और अभी हाल ही में मैंने जुजुत्सु में रजत पदक हासिल किया, बस थोड़े से प्रैक्टिस कम होने के कारण मेरा गोल्ड मेडल छूट गया और मैं आगे चल के मैं चाहती हूँ अपने देश के लिए अपने नाम रोशन करूँ, अपने क्लब का नाम रोशन करूँ, अपने माता पिता का नाम रोशन करूँ, साथ में गुरुजन विशाल यादव सर जी का भी नाम रोशन करूँ। हाँ, मैं तो ये अभी को मैंने आत्मरक्षा के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने शुरू किया था पहले। उसके बाद लगा कि नहीं, मुझे आगे अपने छत्तीसगढ़ के अपने देश के लिए आगे जाके खेलना चाहिए। तब मैं शुरू जब स्टार्ट किया तब मैंने किक बॉक्सिंग और जुजुत्सु से ही स्टार्ट किया था खेलना। भावना सा हुआ है, मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ, मैं अभी टीम और स्टेट में 2 बार गोल्ड मेडल और बॉक्सिंग के नेशनल में, और अभी बॉक्सिंग के नेशनल खेलने में दिल्ली गई थी, वहाँ मेरा कोई पदक तो नहीं लगा लेकिन अपना पूरा 100% मैंने दिया। और मैं अभी तक स्कूल गेम्स खेली हूँ और खेलो इंडिया में मेरा रजत पदक लगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल, हर क्षण, हर सच।